आप देख रहे हैं शतक आज तक। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंची 873, अब तक 19 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना से डरे नहीं, स्वास्थ्य विभाग की है पूरी तैयारी। कोरोना मरीजों के लिए एम्स में तैयार किया गया स्पेशल वार्ड, डॉक्टरों को दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की नजर, राज्यों को आपदा फंड इस्तेमाल करने के आदेश। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, लोगों से आर्थिक मदद करने का आह्वान। पीएम मोदी ने चीन के वुहान से कश्मीर लौटे छात्रों से की बात, छात्र व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। मेरे से 60 थे। ओ यस सर, लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है। जी सर बिल्कुल, थैंक्स टू यू। पीएम मोदी ने आयुष मंत्रालय से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरोना से जुड़े हालात पर ली जानकारी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार है इस भयावह हालात की जिम्मेदार। राहुल गांधी ने लिखा, संकट की घड़ी में हमारे भाइयों और बहनों को कम से कम सम्मान और सहारा तो मिलना ही चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना फंड में सांसद निधि से 1 करोड़ देने पर लगाई मुहर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को लिखा था खत। लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों से की अपील, ट्वीट में लिखा, 1 महीने का वेतन पीएम केयर्स फंड में देकर कोरोना के खिलाफ जंग में करें सहयोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना उन्मूलन कोष में दिए 7 करोड़ रुपए, कहा वायरस संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में मिलेगी मदद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन ने पीएम रिलीफ फंड के लिए दिया 1 लाख रुपए का चेक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए भी दिया डोनेशन। टाटा ग्रुप ने किया 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का ऐलान, कोरोना से निपटने के लिए होगा फंड का इस्तेमाल। कोरोना के खिलाफ जंग में आ गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 30 लाख रुपए दिए। अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में दिए 25 करोड़ रुपए, कहा अपनों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार के डोनेशन का किया स्वागत, कहा स्वस्थ भारत के लिए सभी को आगे आना चाहिए। जेएनयू टीचर्स ने कोरोना से लड़ने के लिए किया 1 महीने का वेतन देने का ऐलान, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा होगा पैसा। आईएएस एसोसिएशन ने पीएम केयर फंड में किया 25 लाख रुपए देने का दान, सभी अधिकारी 1 महीने का वेतन भी करेंगे डोनेट। दिल्ली से पलायन करने वालों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की अपील, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिल्ली ना छोड़े सारे इंतजाम कर दूंगा। केजरीवाल ने कहा बेघर और गरीबों के लिए 500 से ज्यादा स्कूल और 330 रैन बसोरों में भोजन की व्यवस्था की गई है। केजरीवाल ने सभी से की लॉकडाउन के पालन की अपील, कहा ये बीमारी फैली तो शहर ही नहीं बल्कि गांव भी नहीं बचेंगे। पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जसवंत सिंह ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एक दिव्यांग बच्चे और उसके माता पिता को पुलिस की गाड़ी से सीलमपुर में उनके घर भेजा। भूखे प्यासे लोगों के लिए आगे आ रहे हैं लोग, दिल्ली में कहीं एनजीओ तो कहीं पुलिस बनी मददगार, खिलाया खाना। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर लगी मजदूरों की भीड़, गुड़गांव से आ रहे लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका गया। लॉकडाउन के दौरान अकेले पड़े बुजुर्गों की सुध लेने में जुटी दिल्ली पुलिस, दवा और खाने जैसी जरूरतों की ली जा रही है जानकारी। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के किसान बेहाल, खेतों में फसल पक कर तैयार, मजदूर ना मिलने से बढ़ी मुश्किलें। अक्षय पर दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकले लोगों को दिल्ली पुलिस ने रोका, अक्षरधाम के पास से वापस भेजा। दिल्ली में मुबारकपुर चौक पर पुलिस ने मजदूरों को बांटा राशन। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मदर डेयरी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग, एक दूसरे से बढ़ती 2 मीटर की दूरी। दिल्ली के आनंद विहार में एक रिक्शे पर 10 लोग आए नजर। दिल्ली पुलिस ने भी घर वापसी कर रहे मजदूरों को खाना और पानी मुहैया कराया। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की मदद के लिए आगे आया भारतीय रेलवे, ट्रेनों के कोच में बनाए जा रहे आइसोलेशन वार्ड। रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट की मदद से तैयार किए जा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड, बेड दवा से लेकर वेंटिलेटर तक का होगा इंतजाम। सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से यूपी में अपने घर लौटने वाले मजदूरों के लिए 1,000 बसों का किया बंदोबस्त, मुफ्त में दी जा रही है सेवा।
बसों की खबर मिलते ही आनंद विहार बस अड्डे पर घर वापसी करने वाले मजदूरों का लगा रेला, बस पकड़ने की दिखी हो। देश भर में कोरोना के कहर के बीच गाजियाबाद में बस स्टैंड पर दिखी अव्यवस्था, भारी भीड़ के बीच घर लौट रहे मजदूर बसों में खिड़कियों से घुसते आए नजर। महिलाओं को धक्का देकर खिड़कियों में बस से में धकेलते दिखे परिजन, कोरोना पर जारी निर्देशों की उड़ रही है धज्जियां। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से मजदूरों का पैदल पलायन, NH24 पर दिखी मजदूरों की भारी भीड़। यूपी में योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से आकर यूपी के बॉर्डर पर फंसे हजारों मजदूरों के लिए बसों का किया है इंतजाम, लेकिन अफरा तफरी का आलम बढ़ा रहा है कोरोना का खतरा। योगी सरकार ने हर एंट्री पॉइंट पर लोगों को उनके घर वापस ले जाने का किया है इंतजाम, लेकिन भीड़ की वजह से जरूरी सावधानी की अनदेखी। सीएम योगी ने लखनऊ में SDPGI का किया निरीक्षण, कोरोना के खतरे के मद्देनजर दिए जरूरी निर्देश। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर लखनऊ के KGMU अस्पताल ने कई विभागों को खाली करवाया, तैयार किए जा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड। नोएडा के DM का फरमान, 1 महीने का किराया ना ले मकान मालिक, मजदूर और कर्मचारियों से मांगा किराया तो जुर्माना या 2 साल तक की हो सकती है जेल। आनंद विहार बस अड्डे पर पुलिस ने यात्रियों को लस्सी और पानी मुहैया कराया, सीएम योगी ने DM और SP को दिए निर्देश। योगी सरकार घर वापसी कर रहे इन मजदूरों की शुरुआती जांच भी करवाएगी, सरकार इन लोगों का शुरुआती चेकअप करने का कर रही है इंतजाम। नोएडा की सेक्टर 62 में बिहार जाने वालों का लगा तांता, पुलिस ने डीजल बसों का बताया अभाव, जो बसें दिखी वो CNG थी। दिल्ली के आनंद विहार से यूपी के लिए शहरों के लिए बसें चलाने की खबर होते ही लोगों ने किया बस स्टैंड का रुख, बस पकड़ने की दिखी बेचैनी। मुरादाबाद से बहराइच के SPDH के लिए रवाना की गई 80 सवारियों से भरी बस, ड्राइवर हेलमेट पहने नजर आए। महाराष्ट्र में अब तक 181 लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस के शिकार, अब तक 5 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा ट्वीट, कहा 24 घंटे में चेन्नई से पूर्ण पहुंचे चिकित्सा उपकरण, कोरोना की जांच की पूरी तैयारी है। कोरोना से जंग के लिए सेंट्रल रेलवे की पहल, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन के पास सब्जी और फल विक्रेताओं को दी गई है जगह। मुंबई में लॉकडाउन में सड़क पर घूमने वाले जानवरों की मदद के लिए आगे आया एक NGO, खाने का किया इंतजाम। असम के बोंगई गांव में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर हुआ पथराव, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM को लिखा खत, कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्यों को एकमुश्त 1,00,000 करोड़ का पैकेज देने की मांग। राजस्थान में भी बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, अब तक 46 लोगों में वायरस की पुष्टि, शनिवार को 4 नए मामले। भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 24 तक पहुंची, बांगड़ हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के 2 युवकों पर भी वायरस का अटैक। अजमेर में पंजाब से लौटा एक युवक कोरोना पॉजिटिव, भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल में करता है टाइपिस्ट का काम। ओमान से लौटे एक शख्स में कोरोना की पुष्टि के बाद जयपुर का पुराना शहर सील, कर्फ्यू लगाया गया। धौलपुर में घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, बाजार जाने वाले लोगों के हाथों में सड़क छाप और आवारा जैसे पोस्टर देकर खींची गई तस्वीरें। धौलपुर में भीड़ इकट्ठा होने से गरीबों को खाद्य सामग्री बांटने गए जिला कलेक्टर का गुस्सा भड़का, दूर दूर खड़े होने पर ही बांटा सामान। जोधपुर के एक अस्पताल में मस्ती करते नजर आए कोरोना के 2 मरीज, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे 2 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इंदौर से बाइक पर डूंगरपुर पहुंचे थे। जोधपुर प्रशासन ने डिलीवरी बॉय से कराएगी डोर टू डोर जरूरी चीजों की सप्लाई, मोबाइल एप्लीकेशन किया जारी। बिहार के CM ने लोगों से की अपील, जो जहां है वो वहीं रहेगी। कोरोना संक्रमण के बीच पटना में नई परेशानी, मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की किल्लत। लोगों की मदद के लिए सामने आए पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा, पटना में 10,000 लोगों को बंटवा रहे हैं खाना। मोतिहारी में कोरोना के बाद नया संकट, बड़ी तादाद में हो रही है कौवों की मौत। मनेर में किसानों की बड़ी परेशानी, कोरोना के डर से खेत में सब्जी तोड़ने नहीं जा पा रहे किसान। राजस्थान के 12 में गांव वालों ने किया खुद को लॉक, गांव के मुखिया ने कहा गांव में ही मिलेगा जरूरत का हर सामान। कैमूर में NH2 पर मजदूरों का रेला, गिरिडीह से 3 दिन में पैदल चलकर कैमूर पहुंचे लोग। फरीदाबाद में भूखे प्यासे लोगों की मदद को आ गया रोटरी क्लब, पैदल निकले लोगों को खिलाया खाना।
गुरदासपुर पुलिस ने लोगों को सामान की कमी न होने का दिया भरोसा, कहा कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। मनाली से मुजफ्फरनगर निकले 10 मजदूरों को मंडी में रोका गया, मजदूरों ने घर पहुंचाने की लगाई गुहार। झारखंड के रिम्स में खून की किल्लत, ब्लड बैंक में बचा है सीमित खून। राजस्थान के जालौर में पुलिस ने ट्रकों में जोखिम भरा सफर कर रहे मजदूरों को रोका, सभी को ट्रक से उतारा गया। छिंदवाड़ा में कोरोना पीड़ितों की मदद में तैनात पुलिसकर्मियों की मदद के लिए आ गया है साथी, पुलिस लाइन में तैयार किए गए 4000 मास्क। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक शख्स गिरफ्तार, कोरोना पर सोशल मीडिया में दी थी गलत जानकारी। कोलकाता को सैनिटाइज करने में जुटा नगर निगम, 3 दिनों के बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है अखबार। चेन्नई में एक पुलिसकर्मी का कोरोना पर जागरूकता मिशन, कोरोना हेलमेट पहनकर लॉकडाउन तोड़ने वालों को खतरे से किया आगाह। जयपुर में बॉर्डर को किया गया सील, लेकिन ट्रकों में भरकर घर जाने की कोशिश में दिखे लोग। फतेहपुर शेखावटी में मदद के लिए आ गया है कुछ युवा, भूखे प्यासे लोगों तक पहुंचाया गया खाना। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से चलकर 150 से ज्यादा मजदूर पहुंचे छिंदवाड़ा। सूरत में जैन समाज की सराहनीय पहल, सीएम को खत लिखकर धर्मशालाओं को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का दिया। बुलंदशहर में खुर्जा से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के 8 सदस्यों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा। कोरोना पीड़ित मिलने के बाद बुलंदशहर में पूरे मोहल्ले के आइसोलेशन में भेजने के लिए मस्जिद कराई गई है मुनादी। अमरोहा में शुरू हुई मोदी योगी रसोई, गरीब जरूरतमंदों को भोजन की होम डिलीवरी। रायपुर में लॉकडाउन पर 25 जून कैमरे से रखी जा रही है नजर। जयपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सभी से घरों में रहने की अपील की। लंबी हो सकती है कोरोना से जंग, दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वायरस ने बनाया अपना शिकार। ईरान में कोरोना से मौत की संख्या 251, अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मरीज। इटली में कोरोना का भयानक कोहराम, 10,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाया हाहाकार, अब तक 20,000 लोग गंवा चुके हैं जान। और स्पेन में कोरोना की दहशत, बीते 24 घंटे में 832 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।